मेरी नैनो की नूर, सबको प्यार भरा नमस्कार स्वीकार हो। आज मैं आप लोग को बबली गुप्ता का एक आर्टिकल सुनाने आ रही हूँ। ये प्रॉपर्टी डीलर है और हमारे मोहल्ले में रहते हैं, साथ ही बहुत अच्छे इंसान हैं। अपने से बड़ों का सम्मान करना, छोटों से बेहद प्यार करना इनकी बहुत बड़ी विशेषता है, और उसके अलावा सभी महिलाओं का बेहद सम्मान करते हैं। आचरण के बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे दीदी कहते हैं, और मेरे मन में भी भाई इनके लिए एक छोटे भाई की तरह बेहद अनुराग है। मुझे भी अपने भाइयों की तरह बड़े प्यारे लगते हैं। तो इन्होंने, जैसा कि अभी हम लोगों ने दीपावली मनाया, खूब सारे दिए जलाए, सब जगह रोशनी की, तो ये कहते हैं एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, कि हमारे मन में भी दिया जलना चाहिए, खाली बाहरी बात रोशनी हो ऐसा नहीं। कहते एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया मुर्दा जीवन में आकर कुछ श्वास भरे, एक दिया सादा हो इतना जैसे सादा सरल साधु का जीवन, एक दिया सुंदर हो इतना जैसे देवों का उपवन, एक दिया भेद मिटाए क्या तेरा क्या मेरा है, एक दिया जो याद दिलाए हर रात के बाद सवेरा है, एक दिया उनकी खातिर जिनके घर में दिया नहीं, एक दिया उन बेचारों को जिनके घर ही दिया नहीं, एक दिया सीमा के रक्षक अपने भारत के वीर जवानों का, एक दिया मानवता रक्षक चंद्र बचे इंसानों का, एक दिया विश्वास दे उनको जिनकी हिम्मत टूट गई, एक दिया उस राह में भी हो जो कल पीछे छूट गई, एक दिया अंधकार का, एक दिया जो अंधकार का जड़ के साथ विनाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे, एक दिया ऐसा भी हो जो भीतर तलक प्रकाश करे। कहते हैं पब्लिक जी कि दिल से हुई प्रार्थना जरूर परमात्मा तक पहुंचती है, उसके लिए भाव जरूरी है, भाषा नहीं, ना ही मंत्र ना ही कोई ग्रंथ, बस जरूरी है एक सच्चा मन। और भाई मैं तो सच कहती हूँ, इनके पास बहुत ही खूबसूरत मन है। हर वर्ष हमारे मोहल्ले में कम से कम 3-4 आयोजन करते हैं, गणेश उत्सव और उसके अलावा नवरात्रों में भी कार्यक्रम करते हैं, माता का जगराता भी अकेले करवाते हैं, उसमें ये ड्राइंग कॉम्पिटिशन, डांस कॉम्पिटिशन, सिंगिंग कॉम्पिटिशन, बहुत सारे कॉम्पिटिशन कराते हैं, और ये सब निस्वार्थ भाव से बच्चों को भाग चांस देते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें, भाग लें, और उसके अलावा ये दिल खोल के उनको इनाम भी देते हैं। भाई इस बार तो इन्होंने मुझे भी जज बना दिया, बड़ा अच्छा लगा। तो ये ऐसे हैं जो अपने एरिया का, अपने क्षेत्र का स्वर्णागीन विकास कर रहे हैं। धन तो ईश्वर सबको देता है, लेकिन दिल बहुत कम लोगों को, और जैसा सुंदर दिल, जैसा सुंदर मन भगवान ने इनको दिया है, बहुत कम इंसानों के पास देखने को मिलता है। तो नाम इनका है अरविंद गुप्ता, लेकिन प्यार सब लोग इनको बबली गुप्ता कहते हैं। हमें भाई इनसे बेहद प्यार है, हम इतनी बेहद अनुराग रखते हैं, जैसा ही मुझे दीदी कहते हैं, मेरे मन में इनके लिए एक छोटे भाई की तरह बेहद प्यार भरा हुआ है। तो और हाँ, बोलते इतना मीठा है, इतना अच्छी बोलते हैं, इतनी इनकी वाणी में मिठास होती है कि गैर भी अपना हो जाता है, बार बार इनसे बात करने के लिए उत्सुकता पैदा हो जाती है। और कहीं मिले, और दीदी जी नमस्ते, कैसी हैं आप? अरे बहुत दिनों के आई नहीं, कह रही जरूर आऊँगी। मतलब अपनी बातों से इतना अधिक प्रसन्न कर देते हैं कि चाहे जैसा आदमी खराब मूड में हो, हंसता मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला आता है। तो आप लोग को इनका ये आर्टिकल कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अच्छा भाई, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबको टाटा बाय बाय।